नमस्कार दोस्तों, न्यूज कुछ खास प्रजापति में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं शाकंभरी माता मंदिर के दर्शन कराने के लिए। उससे पहले और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज कुछ खास प्रजापति को सब्सक्राइब करना ना भूले और पास में जो बेल आइकॉन का बटन है उसे जरूर दबाए ताकि जो वीडियो हम बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज हम आपको शाकंभरी माता मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं और ये अरावली श्रृंखला की गोद में बसा हुआ काफ़ी लोकप्रिय मंदिर है और इससे जुड़े कुछ रोचक जानकारियाँ हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं, यहाँ की जो डिटेल वो आपको बताते हैं। राजस्थान में वैसे तो बहुत सारे पर्यटन स्थल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे ही विचित्र और अनोखे पर्यटन स्थल के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपको शाकंभरी माता मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं इस व्लॉग में, जो कि अरावली श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। तो चारों तरफ पहाड़ों का नज़ारा तो अभी हम शाकंभरी माता मंदिर पहुंच चुके हैं और आज हम आपको इस वीडियो में शाकंभरी माता मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं। साथ में दोस्तों, अगर कैमरा अलाउड होगा तो हम मंदिर के जो अंदर का सीन है वो भी आपको इस व्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो अभी हम गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हैं, तो मंदिर के आसपास ही आपको गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था मिल जाती है। दोस्तों थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत है, अपनी गाड़ी का पूरा लॉक करके जाए ताकि आपका कोई नुकसान वगैरह ना हो। ये शाकंभरी माता मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक प्रवेश द्वार और आएगा। मंदिर के अंदर जाने के बाद में दोस्तों पूछताछ पर वहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, इसीलिए हम आपको अंदर का सीन नहीं दिखा सकते। तो दोस्तों वाकई खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, आप अगर अंदर का सीन देखोगे तो काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों हम आपको बाहर का सीन दिखा रहे हैं, तो क्योंकि दोस्तों अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए हम अंदर का वीडियो नहीं बना सकते। मंदिर के आसपास आपको बहुत सारी जगह हरियाली देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पे आपको झरनों का भी आनंद आप ले सकते हैं। बरसात के दिनों पे दोस्तों यहाँ पे झरने बहते रहते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे आसपास आपको बहुत सारे मंदिर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ आसपास दोस्तों आपको सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी हम आगे जा रहे हैं आपको पानी वाला डैम है वो दिखाने के लिए। कांच खोलना है। तो दोस्तों आज हम आपको राजस्थान के अरावली श्रृंखला के पहाड़ों का सुंदर दृश्य दिखाने वाले हैं। वाकई दोस्तों काफ़ी प्यारी और खूबसूरत लोकेशन है। अगर आप राजस्थान घूमने के लिए जा रहे हो तो शाकंभरी माता मंदिर का दर्शन एक बार ज़रूर करना, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो चलिए दोस्तों यहाँ का जो दृश्य है, नज़ारा है, वो हम आपको दिखा देते हैं। शाकंभरी माता का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये झुंझुनू जिले के अंदर पड़ता है। आपको बताते उदयपुर वाटी से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर बना हुआ है। काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको खाने पीने का सामान भी मिल जाता है अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो। यहाँ पे आपको छोटी बड़ी दुकानें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अरावली श्रृंखला में दोस्तों आपको यहाँ पे शाकंभरी माता का मंदिर, कोटड़ी धाम, हर्ष भैरू, जीवन माता मंदिर और लोहागढ़ जी का मंदिर भी देखने योग्य है। इन पहाड़ों के बीच में भी आपको खाने पीने का जो भी सामान है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे छोटी बड़ी दुकानें आपको खाने का सामान मिल ही जाता है। तो अभी हम डैम के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन इसका जो वीडियो वो हम हमारे जो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं।